से सब कठा हो के हमारा एक मतलब स्टाफ जो मिलके है ना ये चलाता है इसको, ये जो मनुष्टी को पूजा करना है क्या करना है इसको आगे लेना है सब ये करना है, इसके लिए हम रोज आके एक दो आके ऐसे देखता है वहाँ को मदद करने के वहाँ आप चला है ना। तो आप लोग आए हैं मुझे बहुत खुश हुआ है, हम लोग बहुत खुश हुआ है। तो मेरा क्या होता है थोड़ा स्लो जाता है तो ज्यादा बोले पहुंचे ज्यादा ही जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोग का है ना मेरा दिल से टसी दिले जो बोलने से नमस्कार है यहाँ का जितना भी देवी देवता जितना भी हम लोग पूजा करते हैं उनके नाम से आप लोग सही सलामत रहे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी एक ऊपर वाला नहीं जुड़ा है भाई, आप लोग कहाँ से आए हम लोग है ना यहाँ से मिल गए एक मिल गए। मैं यही बोलता हूँ कि आज के दिन में हमारे देश में सब कुछ है ना, खाने पीने पैसा सब कुछ है, कोई कमी नहीं। आज तो हमारा बॉर्डर तक गाड़ी भी जा रहा है, बड़ा बड़ा तोप भी जा रहा है, अभी रोड बड़ा हो गया ना, तो सब कुछ है। लेकिन हमारे पास क्या कमी है, फिटनेस कमी नहीं है। तो 8 बजे उठना, मोबाइल खिलाना, ये स्कूल जाना, फिर आना, वही ट्यूशन जाना, वही पढ़ना, सिर्फ पढ़ना, सिर्फ मोबाइल खिलाना, पढ़ना, इतना ही से होगा देश नहीं चलेगा ना। यही मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग से है ना, मोबाइल से जरूरी है, मोबाइल अब दुनिया चलाता है लेकिन उसको लिमिट करना है, ठीक है। मोबाइल हमारा मोबाइल से हमारा सब मोबाइल इकट्ठा करके हम लोग ज्यादा कस्टली वाला मोबाइल लेके हम मोबाइल इकट्ठा करें हम देश चलाओ बोलेगा चलेगा मोबाइल नहीं चलेगा ना, मैं खुद चलना पड़ेगा है कि नहीं। मैं खुद चलने के लिए तो क्या करना, फिट होना है ना, फिट होने के लिए क्या करना है, मैं क्या खा रहा हूँ है ना, क्या पहन रहा हूँ, क्या जा रहा हूँ, क्या किसे मिल रहा हूँ, क्या कौन से जगह में पहुंच गया, ये देखना आप लोग काम, ठीक है। आप लोग मम्मी लोग तो अभी रोज आप लोग का पीछे ड्यूटी कर नहीं पाएगा क्योंकि वो भी तो दुनिया को संभाल चलना पड़ेगा है ना, सबको लेके आप लोग का फ्यूचर के लिए देखना है, आप लोग का फ्यूचर के लिए वो सुबह से लगा रहेगा तो आप लोग मस्ती में फिर वो डिस्को में जाएगा, मोबाइल खिलाकर दूसरे जो दोस्त मिलेगा उसके साथ जाएगा, नहीं होगा देश का भला, ठीक है। जो जाएगा उसके लिए कोशिश करो रोकने के लिए, नहीं होगा तो उसको छोड़ दो, आप सही जगह में आना, ठीक है। आप आ गया तो सब आएगा, ठीक है। तो देश के भला के लिए मैं इतना बोलूंगा, ज्यादा पढ़ा लिखे ज्यादा डिग्री लेने से हो सकता है डॉक्टर का जरूरत है, इंजीनियर का जरूरत है, फिर हमारे पास कुछ गेम्स का भी जरूरत है ना, देश के लिए कॉम्पिटिशन में जाना है और दिखाना है भाई, हम भी तो खेल सकते हैं। देखो अभी मेरे भाई मैं आप लोग है अपना मेरा आर्मी होने के नाते से है ना मैं एक्सरसाइज मेंटेन रखता हूँ, बाकी लोग अभी सिविल में बाकी नौकरी करने लोग क्या होगा, टीचर लोग आने टीचर से रिटायर हो गए, आप लोग देखना थोड़ा ये लिखना अपना कॉमन सेंस लगाना है ना, जब टीचर से रिटायर आएगा आर्मी से रिटायर आएगा पुलिस से रिटायर आएगा तो कौन फिटनेस बैठता है, कौन ज्यादा बैठता है रिटायर होकर, पेंशन कौन खा रहा है, ठीक है। जो सबसे ज्यादा खाने वाला आर्मी है, क्यों आर्मी वो सुबह 4 बजे से बिस्तर को शादी वो माया नहीं करेगा दाया नहीं करेगा उसको छोड़ देगा, ठीक है। बाकी लोग रिटायर आ गए तो क्या करते हैं, उसको 8 बजे तक सोना और बड़े बड़े कुत्ते लेके घूमना एक शौक होता है, ठीक है। 3 बजे के बाद कुत्ते भाई कुत्ते एक जगह रखो उसको, ठीक है वो एक गार्ड है उसको सही, लेकिन अपना शरीर को अपना खुद देखो ना, 4 बजे उठो मेंटेन करो पूजा करो जो करना फिर थोड़ा वॉक करो, कहीं भी जगह मिल गया है ना 1 घंटा कहीं भी पार्क मिल गया तो ये करो, फिर उसके बाद रोज आप डॉक्टर के पास जाएगा लेकिन वो दवाई लेते रहेगा कभी ठीक नहीं होगा। आप खुद चल के एक्सरसाइज करेगा तो वो मशीन सब चलेगा ना, चालू हो गया तो भाई मशीन गर्म हो गया चालू हो गया क्या तकलीफ हो, नहीं होगा ना। अभी मंदिर भी जाओ कितना भी पूजा करेगा तो भाई 20%, ठीक है मेरा तरफ से 20% आपको, लेकिन 80% आप खुद सही खाना है, सही खाना है, सही टाइम में उठना है, सही उठना है, माता पिताजी को प्रणाम बोल के शुरू करना जिंदगी, ठीक है। माता पिताजी को ऐसे छोड़ दिया भाई हवा ले दिया और बड़ा बड़ा मंदिर गया ये भी नहीं होगा, शुरू वहीं से स्टार्ट से अच्छा होना है, ठीक है। आप अच्छा होगा आपका घर अच्छा होगा तो दूसरा घर भी अच्छा होगा, इसलिए हमारा भारत देश सही जगह में जाएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत नहीं है, सुबह उठना है माता पिताजी को प्रणाम बोलना है और पानी पीना है सुबह सुबह है ना, पानी पीना है सुबह सुबह, खाने का पैकेट का चीज ज्यादा मत खाना भाई, आपके पास खाने के लिए क्या क्या पिस्ता बादाम नहीं है, इतना अच्छा बना है हमारे देश में, जम्मू कश्मीर में बन ये फलता है ना, इतना बढ़िया हमारे देश में बन, तो हम पैकेट का चीज क्यों खाना, वही खा लो, दो दो पीस खाओ, काजू 2 पीस सुबह ले लो, बादाम 2 पीस ले लो,
वो तो दिमाग नहीं पड़ता है बुजुर्गों को पूछना, बड़े बड़े पहले पहले को बुजुर्ग को, ठीक है। कभी कभी बर्थडे में थोड़ा बहुत खा लेता वो अलग बात है, ठीक है। मेरा दिल से बोल रहा हूँ भाई, आपको पसंद आ गया तो रखना है, नहीं पसंद आया तो फेंक देना, ठीक है। वो यहाँ से कुछ तो लेके जाना है भाई आपको, है ना। ये नहीं है कि वो बंगाली है, वो बंगाल में रहता है, मैं दार्जिलिंग का, ऐसे नहीं। भारत देश तो सभी का है ना, भारत देश में तो ऐसा सभी एक, हम लोग एक ऐसा सभी जात पात सब मिल के चला रहे, देश चला रहे। तो जो भी जात है लेकिन इसको देश के सोचो भाई, मैं तो यही बोलूंगा, चाहे मैं नेपाली हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, भोटिया हो, चाहे बंगाली हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, लेकिन भारत देश के लिए थोड़ा एक मिनट सोचो, यही बोलूंगा मैं, है ना। क्योंकि मैं यहाँ सो रहा हूँ, मैं यहाँ सो रहा हूँ, मैं यहाँ खा रहा हूँ, यहाँ का टैक्स से खा रहा हूँ, यहाँ टैक्स दे रहा हूँ, है ना। मैं इसके लिए पहला सोचना, फिर तो मैं भगवान भी मेरे को सोचेगा ना, तो मैं इसके लिए नहीं सोचूंगा तो फिर कहाँ कौन मेरे को देखेगा। तो एक्सरसाइज में मोटा मोटी मैं आप लोगों को क्या बताता हूँ, सुबह बैंड पोशन थोड़ा बहुत कर लेना और सीट अप, ये दोनों तो बहुत जरूरी है, ये सारा संसार में काम आएगा, ठीक है। ये बस इतने नॉर्मल इतना करो, ये अभी इसमें से तो बहुत है, फिर आपको ये आएगा, ये आएगा, है ना। ये तो ये कम्बर का एक्सरसाइज पूरा आएगा, सिर का ये फेंकना है ऐसा करके सिर, जो भी करो जो करो अच्छा करना, कभी कट मारने कोशिश मत करना। गुरु जी को राम राम बोल रहे, ठीक है। सुबह जब माता पिता को बोलने के बाद गुरु जी को, गुरु जी भी आपको गुरु जी दे रहे हैं ना सपोर्ट। अब गुरु जी नहीं होने से आप लोग को कौन अभी यहाँ यही जगह में कौन पहुँचाएगा, है ना। फिर ऐसे करके देश चलाना, नहीं तो सभी लोग गुरु जी को फिर सीखने के बाद गुरु जी भूल जाएगा तो फिर हमारा पूरा ये मॉल ही डिस्टर्ब ये हो जाएगा, है ना। इसलिए गुरु जी को जितना भी बड़ा आदमी बन गया वो बड़ा सम्मान करके बड़ा होना है, दूसरों को इज्जत करके, क्यों वो जगह बैठे रहेगा ना, हमारा जगह बैठे रहेगा। क्योंकि ये ताइक्वांडो जो कराटे है किक बॉक्सिंग ये तो बाद में गुम हो जाएगा, इसको भी संभालना, इसको डिसिप्लिन दिखाना है, इसको मजबूत लेके आना है। सभी का अपना अपना एक गेम्स होता है ना, ये हमारा अपना भी गेम्स को आगे लेना है, ठीक है।